हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एस एफ डी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, आज हम इस टाइप की हेयर कटिंग फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। गाइज, हमें पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है और हमारी फोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसके बाद हमें कलर पर जाना है, इसके बाद सेचुरेशन पर जाना है। सेचुरेशन जाने के बाद हमें इसको बढ़ा देना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है और हमें इसको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद हमें रीस्टोर पे क्लिक करना है और इसे रीस्टोर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें सिंपली राइट हैंड कर लेना है, इसके बाद फिर राइट हैंड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें ड्रॉ टूल पे जाना है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लस वाले ऑप्शन क्लिक करके और एम्प्टी लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली कलर चूज करना है, हमें वाइट, मैं एक वाइट कलर ले लेता हूँ। इसके बाद हमें फेस पर वाइट कलर का लेना है। गाइस, इसके अंदर की साइज़ को डाउन कर लेना है और ऑपेसिटी को फुल कर लेना है। गाइज, हमें चेहरे पर कलर करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसमें ऑपेसिटी को डाउन कर लेना है। सो गाइज, इसके बाद हमें थ्री डॉट पे क्लिक करके और इसको मर्ज कर लेना है और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सो फ्रेंड, अब हमें इसको स्केच ऐप पे लेके जाना है। सो गाइज, हेयर एडिटिंग करने के लिए हमें स्केच बुक ऐप पे आ जाना है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट से एडिट फोटो को इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें सिंपली ब्रश के ऑप्शन पे जाना है और हमें स्क्रॉल करना है, इसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेटिंग पे जाना है और इसके सेटिंग्स को 9.2, 19 और 90% रखना है। इसके बाद हमें जूमिंग करना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें हेयर पर स्क्रॉल करना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें टूल के ऑप्शन पे जाना है और लाइब्रेरी पे जाके और इसकी साइज़ को डाउन कर लेना है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है। इसके बाद हमें हेयर पर कट लगाना है, मैं कट लगा देता हूँ।
सो फ्रेंड हमें सिंपली अब कलर पे जाना है और रेड कलर चूज कर लेना है। इसके बाद साइज को डाउन कर देना है और फ्लो और स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है। हेयर पे कलर करना है, इसके बाद नेक्स्ट कलर चूज करना है। इसमें मैं वाइट ले लेता हूँ और इसको भी स्क्रॉल करना है। फ्रंट वाइट कलर करके और इसको स्क्रॉल करना है। सो गाइस काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।